राधा कृष्ण की प्रेम कहानी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। आज हम आपको बताएंगे राधा कृष्ण की प्रेम कहानी। पश्चिमी संस्कृति के अनुसार इन दिनों प्यार का सप्ताह चल रहा है। ऐसे में जरूरी नहीं है कि हर किसी के लिए प्यार का ये सप्ताह हसीन ही हो। इसमें असफलता के चलते कई बार लोग गलत कदम भी उठा लेते हैं। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज हम आपको बता रहे हैं राधा कृष्ण की प्रेम कहानी के बारे में, जिससे आप पहचान सकते हैं कि सच्चा प्रेम क्या होता है। इसमें राधा जो बाल गोपाल के साथ बड़ी हुई, उनके साथ खेला कूदा, रास रचाए, इतना ही नहीं, कृष्ण ने सबसे ज्यादा वंशी राधा के कहने पर बजाए। राधा कृष्ण का प्रेम ऐसा था जिसकी आज भी मिसाल दी जाती है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि इतने प्रेम के बाद भी कृष्ण राधा की मिलन नहीं हुआ, उनकी शादी नहीं हुई। कुल मिलाकर इसमें प्यार है तो एक दूसरे से दूर रहना भी। इस कथा को आपके सामने रखने का मकसद केवल प्यार में बिछड़ जाने वाले को गलत कदम उठाने से रोकने का है। दरअसल हिंदू धर्म में भी राधे श्याम या राधे कृष्णा ये शब्द अटूट प्रेम का हिस्सा माने जाते हैं। भले ही ये एक दूसरे के कभी हो नहीं सके, लेकिन फिर भी इनका एक दूसरे के साथ ही हमेशा नाम लिया जाता है। तो चलिए जानते हैं कि राधा कृष्ण की ये प्रेम कहानी अधूरी कैसे रह गई थी। एक ओर जहां कई लोग राधा सिर्फ काल्पनिक मानते हैं, इसका कारण यह है कि भागवत जिसने भी पढ़ी है उसका कहना है कि सिर्फ दशम स्कंद में ही जब महाराज का वर्णन हो रहा है, वहीं एक जगह राधा के बारे में बताया गया है कि वो भी रास कर रही हैं और आनंद ले रही है। जबकि अलग अलग ग्रंथों में राधा और कृष्ण की गोपियों का अलग वर्णन है। एक जगह ये भी लिखा है कि कृष्ण की 64 कलाएं ही गोपियां थी और राधा उनकी महाशक्ति, यानी राधा और गोपियां कृष्ण की ही शक्तियां थी जिन्होंने स्त्री रूप ले लिया था। कुछ जानकारों के अनुसार तो गोपियां को ही भक्ति मार्ग पर परमहंस तक कहा गया है, क्योंकि उनके मन व दिमाग में 24 घंटे कृष्ण ही रहते थे। वहीं राधा और कृष्ण के प्रेम का असली वर्णन मिलता है गर्ग संहिता में। गर्ग संहिता के रचयिता यदुवंशियों के कुल गुरु ऋषि गर्ग मुनि थे। जानकारों के अनुसार गर्ग संहिता में राधा और कृष्ण की लीलाओं के बारे में बताया गया है। इस संहिता में मधुर श्री कृष्ण लीला है, जहां राधा कृष्ण के प्रेम के बारे में बताया गया है, वहीं इसमें राधा जी की मधुर्य भाव वाली लीलाओं का भी वर्णन है। गर्ग संहिता में श्रीमद् भागवत गीता में जो कुछ सूत्र रूप से कहा गया है उसी का बखान किया गया है। जानकारों का ये तक कहना है कि अगर गर्ग मुनि यदुवंशियों के कुल गुरु थे तो वे अपने सामने चल रही कृष्ण लीला में किसी काल्पनिक किरदार का चित्रण करेंगे, ऐसा मुमकिन नहीं लगता। यही से राधा के सत्य होने का प्रमाण मिलता है। अब आप बोलेंगे, राधा से वादा और रुक्मणी से विवाह। कहा जाता है कि भगवान विष्णु के अवतार कृष्ण राधा से ये वादा करके गए थे कि वो वापस आएंगे, लेकिन कृष्ण राधा के पास वापस नहीं आए और चले गए। उनकी शादी भी माता लक्ष्मी के रूप रुक्मणी से हुई। कहा जाता है कि रुक्मणी ने कभी कृष्ण को देखा नहीं था, फिर भी उन्हें अपना पति मानती थी। जब रुक्मणी के भाई रुक्मी ने उनकी शादी किसी और से करनी चाही तो रुक्मणी ने कृष्ण को याद किया और कहा कि अगर वो नहीं आएंगे तो वो अपनी जान दे देंगे। इसके बाद ही श्री कृष्ण रुक्मणी के पास गए और उनसे शादी कर। आखिर राधा ने कृष्ण से क्या कहा? जो वादा किए थे कृष्ण ने राधा से, उसमें वो क्या कहा?
कृष्ण के वृंदावन छोड़ने के बाद से ही राधा का वर्णन बहुत कम हो गया। राधा और कृष्ण जब आखिरी बार मिले थे तो राधा ने कृष्ण से कहा था कि भले ही वो उनसे दूर जा रहे हैं, लेकिन मन से कृष्ण हमेशा उनके साथ ही रहेंगे। इसके बाद कृष्ण मथुरा गए और कंस और बाकी राक्षसों को मारने का अपना काम पूरा किया। इसके बाद प्रजा की रक्षा के लिए कृष्ण द्वारका चले गए और द्वारकाधीश के नाम से लोकप्रिय हो गए। वहीं जब कृष्ण वृंदावन से निकल गए तब राधा की जिंदगी ने अलग ही मोड़ ले लिया था। कहते हैं कि राधा की शादी एक यादव से हो गई। राधा ने अपने दाम्पत्य जीवन की सारी रस्में निभाई और बूढ़ी हुई, लेकिन उनका मन तब भी कृष्ण के लिए समर्पित था। क्या आप जानते हैं राधा के पति कौन थे? राधा के पति का वर्णन ब्रह्मा वैवर्त पुराण में मिलता है। ये वेद व्यास द्वारा रचित 18वां पुराणों में से एक है। वैसे राधा की शादी के बारे में भी अलग अलग कहानियां प्रचलित हैं। कुछ के अनुसार राधा की शादी अनय से हुई थी। अनय भी वृंदावन निवासी थे। राधा और अनय की शादी ब्रह्मा की एक परीक्षा के बाद हुई थी। एक कथा के अनुसार ब्रह्मा ने ये पता लगाने के लिए कि कृष्ण वाकई विष्णु अवतार हैं, तो उन्होंने श्री कृष्ण के सारे दोस्तों को अगवा करके जंगल में छुपा दिया था। उस समय अनय भी जंगल में थे और गलती से वो भी अगवा हो गए थे। तब कृष्ण ने अपने सभी दोस्तों का रूप लिया और फिर सभी बच्चों के घरों में रहने लगे। इसके बाद अनय रूपी कृष्ण की शादी राधा से हुई थी। वहीं एक अन्य कथा के अनुसार असल में राधा की शादी हुई ही नहीं थी। ब्रह्मा वैवर्त पुराण के अनुसार राधा अपने घर को छोड़ते समय अपनी परछाई अर्थात छाया घर पर माँ कीर्ति के साथ छोड़ गई थी। छाया राधा की शादी रायान गोपा यशोदा के भाई से हुई थी और अनय से नहीं। इसलिए कई बार ये भी कहा जाता है कि राधा रिश्ते में श्री कृष्ण की मामी थी। इनकी शादी साकेत गांव में हुई थी, जो बरसाने और नंदगांव के बीच स्थित था। कहा जाता है कि राधा ने अपना शादीशुदा जीवन अच्छे से व्यतीत किया, भले ही मन से वो कृष्ण से जुड़ी रही। राधा का देह त्याग। जब श्री कृष्ण बांसुरी तोड़कर कोसों दूर फेंकी, लोक कथाओं के अनुसार अपने जीवन के अंतिम दिनों में राधा ने अपना घर छोड़ दिया था और कृष्ण से मिलने द्वारका चली गई थी। जब आखिरकार ये दोनों मिले तो दोनों ने एक दूसरे से कुछ नहीं कहा। दोनों एक दूसरे के मन की बात जानते थे, लेकिन राधा को लगा कि कृष्ण से करीब रहना उस तरह का सुख नहीं दे रहा जिस तरह उन्हें तब लगता था जब वो मन से कृष्ण से जुड़ी हुई थी। ऐसे में राधा बिना कुछ बोले महल छोड़कर चली गई। अंतिम क्षणों में कृष्ण ने राधा की अंतिम इच्छा पूरी करते हुए सबसे मधुर बांसुरी की धुन बजाकर सुनाई। बांसुरी की धुन सुनते सुनते राधा ने अपने शरीर का त्याग दिया। लेकिन भगवान होते हुए भी राधा के प्राण त्यागते ही भगवान श्री कृष्ण बेहद दुखी हो गए और उन्होंने बांसुरी तोड़कर कोसों दूर फेंक दी। जिस जगह पर राधा ने कृष्ण जी का मरने तक इंतजार किया, उसे आज राधा रानी मंदिर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद ही राधा जी कृष्ण में विलीन हो गई। किसी भी पुराण में राधा के मृत्यु का वर्णन नहीं मिलता। क्या आप जानते हैं भगवान श्री कृष्ण का देह त्याग की कहानी? आइए हम आपको बताते हैं। महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद एक दिन वायु देवता को दूत बनाकर देवताओं ने भगवान श्री कृष्ण के पास भेजा। वायुदेव ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि देवताओं ने कहा है कि आपने पृथ्वी पर फैले पाप का अंत करने के लिए अवतार लिया था और अब आपका कार्य पूरा हो गया है। इसके बाद एक दिन सभी यदुवंशी प्रभास क्षेत्र यानी वर्तमान सोमनाथ मंदिर के पास स्थित समुद्र तट पर आए।
यहीं यादवों में आपसी विवाद हो गया और वो एक दूसरे को मारने लगे। कुछ ही समय में सभी यदुवंशी काल के काल में समा गए। इस स्थिति को देखकर बलराम जी सागर तट पर बैठ गए। भगवान श्री कृष्ण और उनके साथी दारुक ने देखा कि बलराम जी के मुख से एक विशाल नाग बाहर निकल रहा है। समुद्र उस नाग की स्तुति कर रहा है। कुछ ही समय में वो नाग सागर में समा गया। इस तरह बलराम जो शेष नाग के अवतार थे शरीर त्याग कर क्षीर सागर में चले गए। सोमनाथ मंदिर से कुछ दूरी पर जहां बलराम जी ने देह त्याग किया था वहां बलराम जी का एक मंदिर बना हुआ है। बलराम जी की देह त्याग के बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपने सारथी से कहा कि अब मेरी भी जाने का समय हो गया है, इसलिए मैं योग में लीन होने जा रहा हूँ। द्वारिका में जो लोग बच गए हैं उन सभी को कह दो कि अर्जुन के आने के बाद वो द्वारका को छोड़कर उनके साथ चले जाए, क्योंकि अर्जुन के द्वारिका से जाने के बाद मैंने समुद्र से जो भूमि द्वारिका नगरी बसाने के लिए ली थी समुद्र उसे डुबो देगा। तो दोस्तों, यही थी राधा रानी की और भगवान श्री कृष्ण की प्रेम कहानी तथा इस दुनिया से इन दोनों को छोड़कर चले जाने की कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और आगे भी शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।